हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल लर्न स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम ब्लाउज का डिजाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए, हमने मोड़े को काट लिया है। शोल्डर हमारी 5 इंच है, लंबाई हमारी 13 इंच है, चौड़ाई हमारी 9 इंच है। 5 इंच पे हमने मोड़े का निशान लाकर काटा है। ऊपर से देखिए, हम 2.25 इंच गले के लिए लेंगे और फिर हम 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे गले की। यहाँ पर भी हम नीचे 3.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसे देखिए हम काट लेते हैं। तो देखिए, हमने इसे काट लिया है। इसी तरह से हम इसे ब्लाउज के ऊपर भी हम काट लेंगे। तो ये देखिए, हम इसे काट लिए हैं इस तरह से। और यहाँ पर हम देखिए, इस पैटर्न को हम 2 भाग में कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, हम पहले ब्लाउज के कपड़े को फैला लेंगे और उसके ऊपर हम अस्तर के कपड़े को फैलाएंगे। हमने ब्लाउज के कपड़े को उल्टे साइड रखा है और उल्टे साइड से ही हम अस्तर को अटैच कर देंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से पहले सिलाई लगानी है, फिर हम पैटर्न के चारों तरफ से सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा पैटर्न इस तरह से बन के तैयार हो गया है। और इसी तरह से हमने दोनों पैटर्न को तैयार कर लिया है। यहाँ पर देखिए, हमने 1 इंच का पट्टी लिया है और इसे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। और फिर हम इसे पलट लेंगे, पलट कर डोरी बना लेंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से पलट लेनी है। और यहाँ पर देखिए, हमने डोरी को जितना हमारी ब्लाउज की लंबाई है उतना ही हम इसे काट लेंगे। तो देखिए, हमने काट लिया है। और इस तरह से देखिए, ब्लाउज के ऊपर डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगाते जानी है। ये देखिए इस तरह से पूरे ब्लाउज के ऊपर हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम एक और पट्टी लिए हैं पीले कलर की और इसे हम इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए अटैच कर लेनी है। फिर हम देखिए, ब्लाउज के हमने जो गले की काट कर रखी है उसे हमने डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। और उसके बाद देखिए, इसे सीधा करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह से देखिए, हमने दोनों पैटर्न को तैयार कर लिया है, दोनों साइड के पीस को। इसके बाद देखिए, हम नीचे का प्लेट बना लेते हैं इस तरह से। और इसके बाद देखिए, हम एक पट्टी लेंगे और इसे देखिए हल्का सा मोड़ते हुए इस तरह से देखिए सिलाई लगा लेंगे। और इसे हम हल्का सा आगे के रखते हुए पाइपिंग की तरह सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से बना लिया है। इसी तरह से दोनों साइड हम कर लेंगे। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम ये जो हमारा साड़ी का जो पाड़ी होता है उसे हमने ब्लाउज के बाहीं वाला साइड में ले लिया है। और इसे देखिए, हम इस तरह से पहले पिन से अटैच कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, हमारा इस तरह से बन के तैयार हो गया है। और इसके बाद देखिए, हम एक और पट्टी लिए हैं, इसे हल्का हल्का प्लेट बैठाते हुए सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम देखिए, इसे इस तरह से राउंड राउंड मोड़ते हुए इस तरह से देखिए फ्लावर की तरह बना लेंगे। यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो पहले हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक मोती अटैच करके इसे हम गांठ लगाकर तोड़ लेंगे। तो देखिए, हमारा ब्लाउज डिजाइन बनकर तैयार हो गया। आपको ये डिजाइन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पसंद आने पर लाइक जरूर करिएगा।